हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्विंग स्टेटर मशीन कैसे चलाते हैं, क्या कैसे ऑपरेटिंग होता है मशीन का, क्या क्या यूज होता है, मतलब नया ऑपरेटर जो भी आना चाहते हैं उनके लिए है, या जो मशीन सीखना चाहते हैं स्विंग स्टेटर चलाना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पर, पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग स्विंग स्टेटर कंक्रीट मशीन सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बताऊंगा कौन सा बटन से क्या काम होता है, कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डैशबोर्ड से चालू करते हैं कौन सा बटन क्या है, ठीक है। सबसे पहले अपना आ जाता है फॉरवर्ड रिवर्स, वहाँ पर देख सकते हैं ये FNR स्विच है, साथ साथ वाइपर भी है, ठीक है। दो वाइपर है और FNR स्विच है, आगे पीछे है, ऐसे करेंगे तो आगे जाएगा, ऐसे करेंगे पीछे जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये एग्जॉस्ट स्विच है जो चारों इंडिकेटर चलता है, कहीं ब्रेक डाउन हो गया रोड पे तो उसके काम आता है। तो दूसरी बात, यहाँ गियर 1 गियर 2 है, आपको गियर मतलब अगर साइड पे काम कर रहे तो गियर 1 पे रखना है। देखिए यहाँ पे लाइट बताएगा, यहाँ पे देख सकते हैं एक नंबर लाइट जल रहा है, दो नंबर बंद है अभी, जैसे हमारा तो उसके लिए है। दूसरा ये इधर है मिक्सिंग, इधर अनलोडिंग है, ठीक है, ये मिक्सिंग अनलोडिंग का है। दूसरा ये प्रेशर, इंजन प्रेशर बताता है ये कितना प्रेशर है, मैक्सिमम यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है, 2 से 3 बार यहाँ आना चाहिए, और जो अभी यहाँ पे है इतना रहना चाहिए। अगर इससे डाउन जा रहा है तो कहीं ना कहीं ऑयल लीकेज हो रहा है, उसका चेक करना होता है। दूसरा है यह फ्यूल लेवल, ये जहाँ ये लिखा है यहाँ पे पहुँचते ही आपको फ्यूल भराना है, इससे नीचे नहीं आना चाहिए, ये जो लाल पट्टी का निशान है देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये इन रनिंग मशीन आवर, इंजन आवर कितने घंटे चले है मशीन पे। दूसरा ये टेम्परेचर है, रेडिएटर में जो पानी है उसका टेम्परेचर क्या है, इंजन टेम्परेचर बताता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे स्विच देख रहे हैं, ये हाई एंड लो है, इधर हाई लो स्विच है ये वाला देख सकते हैं। अगर रोड पे आप जाते हैं तो इधर हाई पे चला सकते हैं, और मैनुअली कहीं पे मतलब चढ़ाई पे चढ़ रहा है तो इस लो पे चढ़ाना होता है। दूसरा ये पीछे का LED लाइट है जो कि केबिन के ऊपर है, जैसे नाइट में काम करते हैं तो उसके लिए है। और ये वाइपर का लिए, ये देख सकते हैं वाइपर पीछे, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, हाँ ये दिख रहा है, ठीक है। दूसरा ये बैटरी इंडिकेशन है, ये जब भी मशीन चालू करो ये चला जाना चाहिए, अगर नहीं जाता है तो वायरिंग में तकलीफ है, चेक कर सकते हैं। और ये वाला आगे का हेडलाइट का है, अगर यहाँ पे देखिए स्विच है, ये कॉम्बी स्विच है, ये टर्न इंडिकेटर है आगे पीछे, मतलब लेफ्ट लाइट का दोनों साइड का है, और हाई बीम और लो बीम है, साथ ही साथ हॉर्न भी दिया है, और यहाँ पे एक पुश बटन है, इसके तो हॉर्न बजेगा, ठीक है। और यहाँ नीचे दिखाते हैं आपको, नीचे की है, पुश बटन नहीं है, ये DS3 है, DS4 मशीन में पुश बटन देता है, बटन दबाते चालू हो जाता है फोन चालू करके। और इसके नीचे देख सकते हैं ये फ्यूज बॉक्स है, कहीं पे ही आपको देख सकते हैं कहीं शॉर्ट हुआ है तो। और यहाँ देख सकते हैं ये पार्किंग ब्रेक है, जब भी मशीन को चालू करें तो ये ब्रेक लगा होना चाहिए, क्योंकि ये VS3 मशीन है, ठीक है। और दूसरी बात है आपका ये FNR स्विच आपका फॉरवर्ड रिवर्स में नहीं होना चाहिए, मतलब न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए, एन में, ठीक है।
पे ये जो स्टॉपर बार है, जैसे खींचोगे मशीन बंद हो जाएगा। अभी मशीन हमारा चालू है तो बंद नहीं करेंगे। ऐसे मतलब खींच के थोड़ा ऐसे घुमा दोगे तो लॉक हो जाता है ऊपर ही। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, चालू करते समय खिंचावना नहीं होना चाहिए। दूसरा एक्सीलेटर है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। इधर खींचोगे तो लो मतलब आरपीएम पे जाएगा, इधर है लो आरपीएम है, ठीक है। ये एक्सीलेटर है, जब पानी वानी भरते हैं कि मशीन कहीं खाली करना हो तो उसके लिए काम आता है। पानी भरने का यह मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ लिखा हुआ है पानी का। जो लीवर खींचेंगे तो ऑन होगा, मतलब पानी चालू होगा। और ये ड्राम का लिफ्टिंग काम करने के लिए। और दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे दो बटन है, ये ड्राम स्टॉप लिखा हुआ है और ये रेड वाला इंजन स्टॉप लिखा हुआ है। इसको दबाओगे तो इंजन बंद हो जाएगा, इसको दबाओगे तो ये ड्राम जो घूम रहा है यहाँ देख रहे हैं ये बंद हो जाएगा, मतलब ये घूमना बंद हो जाएगा। ये वाला ड्राम देखिए, मैं आपको दबा के दिखा देता हूँ। ये ब्लैक वाला बटन दबा के देखिए, खड़ा हो गया ना, देख सकते हैं। अब इससे इसको दबाऊँगा, ये वाला स्विच आगे की तरफ तो घूमने लगेगा, मिक्सिंग करेगा। देखिए देखिए चालू हो गया। इसका एक वीडियो डाला हूँ मैं, जो कि ड्राम फास्ट घूमता है, उसका वीडियो डाला हूँ। अगर नहीं देखा है तो देख लेना। आपके पास मशीन है तो आप वो डाल सकते हैं। बाकी ये सीवीसी मीटर है, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर नहीं देखा तो देख लेना, आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये बेस थ्री मशीन है, खाली पंखा आता है। नीचे देख सकते हैं कि वो चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, वो दुकान से मिल जाता है आराम से। और ये हमारा फुटबॉल है, उसको खोल के रख दिया नीचे। और नीचे जो डब्बा दिख रहे हैं आपका, वो कांच पे पानी फेंकता है। जब ये वाला बटन दबाएंगे, ये पुश बटन पे, ये पानी फेंकता है, ठीक है।